सामने आया बुलंदशहर इंस्पेक्टर की हत्या का असली सच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। बुलंदशहर में दंगाइयों ने सोमवार को जो किया उससे पूरा भारत हैरान हो गया। गोक्षी के नाम पर हत्यारों ने एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। वो सियाना पुलिस कोतवाली में तैनात थे। इंस्पेक्टर की हत्या के बाद जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो बड़ा सच सामने आया। एक सच को खुद वहां के जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया। आइए जानें वो सच क्या है। चिंगरावटी चौकी पर गए थे दंगे को काबू करने। बुलंदशहर में सियाना में तैनात कोतवाल सुबोध कुमार गाड़ी में अपने हमराहियों के साथ चिंगरावटी चौकी गए थे। सोमवार को जैसे ही वो वहां पहुंचे, दंगाई बेकाबू दिखे। इसके बाद ही उनके साथी भाग निकले। फिर दंगाइयों ने उनकी हत्या कर दी। उलझी हुई थी इंस्पेक्टर की मौत की गुत्थी। जब बुलंदशहर इंस्पेक्टर की हत्या हुई तो उनकी मौत की गुत्थी उलझी हुई थी। प्रारंभिक जांच में अधिकारी सुबोध कुमार की मौत सिर पर पत्थर लगने से बता रहे थे। इसी दौरान चर्चाओं और अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच सामने आ गया। जाने रिपोर्ट में क्या बड़ा सच आया सामने। सुबोध कुमार के पोस्टमार्टम से उनकी मौत का राज खुल गया है। डीएम अनुज कुमार झा ने ये सच बताया है। उन्होंने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गोली आया है। जी हां, उनके बाईं आंख में गोली मारी गई जो सिर से आर पार हो गई। इसी वजह से उनकी मौत हो गई।